तो ये संभव कैसे हो पाता है? कैसे आप इतनी सारी चीजों में नंबर वन हो गए हैं? कैसे खेती हो पाती है पानी के बिना? कृषि कैसे संभव है राजस्थान? जैसे भी जहांगीर साहब ने बताया कि राजस्थान में 11% भारत का पूरा भूभाग हमारे पास है और 1% जल है। हम करीब करीब 7-8 फसलों में 1 से लेके 5वें स्थान तक है। तो ये हमारे कृषकों की मेहनत का फल है और हमारी सरकारों के द्वारा चलाए गए प्रोग्रामों स्कीमों का असर है। सबसे पहले सिंचाई जल की बात करते हैं तो सिंचाई जल हमारे पास 1% उपलब्ध है। उसमें कई स्कीमें ऐसी हमने चलाई है जैसे फार्म पॉन्ड या खेत तलाई स्कीम है। खेत तलाई में क्या करते हैं कि 20x20x 3 मीटर का हम खेत में गड्ढा बनाते हैं और उसको जब भी बरसात होती है तो जब खेत का पानी बह कर उसमें जाता है तो उसमें इकट्ठा हो जाता है। ये फार्म पॉन्ड या खेत तलाई दो तरीके से बनती है क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति विपरीत कंडीशन में है कि कहीं पे आप देखेंगे रेतीली ज़मीन है, कहीं पथरीली है। तो दो तरीके से बनती है, एक कच्ची और एक प्लास्टिक लाइनिंग से। दोनों पे सरकारें अनुदान देती है और इस साल करीब 25,000 के हमने लक्ष्य रखे गए हैं जिसमें करीब 70,000 किसानों ने फार्म पॉन्ड में रुचि दिखाई है। इसी तरीके से उन पे हमने अनुदान देते हैं। जब फार्म पॉन्ड की कोई किसान लेना चाहता है तो उस पर अनुदान दिया जाता है। तो फार्म पॉन्ड कोई प्लास्टिक लाइनिंग का बनाना चाहता है तो राजस्थान सरकार द्वारा उसको 75% से लेके और 85% का अनुदान दिया जाता है। इसी तरह उसमें खर्चा कितना आ जाता है सर? उसमें कच्चे फार्म पॉन्ड बनाने में 1,05,000 का खर्चा आता है और प्लास्टिक लाइनिंग का बनाने पे 1,50,000 का खर्चा आता है। अगर कोई प्लास्टिक लाइनिंग का फार्म पॉन्ड बनाता है और वो लघु सीमांत है या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कृषक है तो उसको 90% तक सब्सिडी दी जाती है, यानी कि 1,35,000 तक की। और पारिक साहब, ये भी प्लीज आप हमें बताते चलिए कि ये कितने प्रतिशत, कोई आंकड़ा है आपके पास, किसान हैं जो ये काम कर चुके हैं? पिछले 20 वर्षों में हमारे यहाँ पे करीब करीब 55,000 फार्म पॉन्ड पे हमने अनुदान दिया जा चुका है और पिछले साल हमारे जो लक्ष्य थे वो 15,000 के थे। इस बार हमारे लक्ष्य बढ़ाकर 25,000 फार्म पॉन्ड के कर दिए गए हैं। जब पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा होने जल का संरक्षण तो हमने कर लिया लेकिन उसको बचाव कैसे किया जाए, उसका समुचित उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए हम एक पाइपलाइन स्कीम चलाते हैं। पाइपलाइन में एक खेत से दूसरे खेत तक या एक कसरे से दूसरे कसरे तक पानी ले जाने के लिए पूर्व में जो प्रचलित विधि थी कि सर हम यही आपसे पूछना चाह रहे थे बिल्कुल कि भाई एक 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 किसान है बेचारा, गरीब किसान है, ये चलिए ठीक है, नहीं भी तो उसका खर्चा बढ़ा दिया आपने, तो वो पानी ले जाना था, वो नाली बना देता, पानी पहुंच जाता वहां, पाइप का पैसा कहाँ से लाएगा सर, कैसे लगाएगा पाइप? तो नाली पहले नाली बनाता था तो उस पे करीब 20% पानी का जमीन सोख लेती थी या उसका वास बन के उड़ जाता था। उसको बचाने के लिए हमने पाइपलाइन स्कीम लगाई। उसमें 400 मीटर तक की स्कीम हम के किसान को देते हैं जिस पे 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। और अगर काश्तकार लघु और सीमांत श्रेणी का है या जिसको हम कहते हैं छोटा काश्तकार है तो उसको राजस्थान सरकार द्वारा 3,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। इसी योजना में ये फायदा ये होता है कि जो आपका पानी संरक्षित हो गया उसको एक खेत से दूसरे खेत तक ले जाने के लिए आपके पास पाइपलाइन है तो 20 से 25% तक का आपका आपने पानी बचा लिया। लेकिन सर क्या किसान भाई हमारा ये समझ पाता है? उसे ये तो नहीं लगता कि अरे ये देखिए ये सरकार के अधिकारी बैठे हुए हैं और ये तो खर्चा करवाने में तुले हुए हैं और जबरदस्ती किए जा रहे हैं। मैं एक आम इंसान की तरह प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। सर 2023-24 के अंदर इस पाइपलाइन के 8,000 किलोमीटर के लक्ष्य हमारे पास है और करीब 75,000 कृषकों ने इस पे आवेदन किया है। तो अपने आप में ये कहानी कहती है कि
किस तरीके से किसानों में इसका रुझान है। ये समझ में आता है हमारे किसान भाइयों को, जो दो आपने बहुत महत्वपूर्ण कारण बताए। एक तो नाली के माध्यम से अगर पानी जाता है तो वो जमीन सोख लेती है, और दूसरा ये कि वो वाष्प बन के भाप बनकर उड़ जाता है। तो ये हमारे किसान भाइयों को बात समझ में आती है, मानते हैं वो लोग। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि जैसे अगर पाइपलाइन नहीं हो तो किसान पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ले जा नहीं सकता। और जब पाइपलाइन की फैसिलिटी होती है तो आज राजस्थान के अंदर एक एक तीन तीन किलोमीटर तक लाइन जोड़ करके, अच्छा, मान लीजिए पानी का सोर्स यहाँ पे है, ये संभव है सर? ये संभव है। और ये हुआ है? बिल्कुल हो रहा है। जैसे किसान जैसे लंबी दूर तक ले जाता तो ट्रैक्टर के पीछे बड़ा पंखा लगा करके लंबी लाइन डालता है पाइपलाइन की, और जैसे मान लीजिए पानी यहाँ, तो वैसे नाली के माध्यम से वो जा नहीं सकता था, नीचे से ऊपर उठ करके जा नहीं सकता था, 25% उसका पानी रास्ते में रह जाता। तो पानी का पूरा सदुपयोग करने के लिए ये पाइपलाइन योजना और किसानों की पहली पसंद है। अच्छा, ठीक, पहली पसंद है, ठीक है। परीक साहब कुछ और है या मैं अटल जी से एक सवाल पूछ लूं और उसके बाद आपके पास आऊं? अब बात पूरी कीजिए। हाँ प्लीज, अगर कुछ और महत्वपूर्ण है। हमारी दूसरी स्कीम ये थी कि पानी को किस तरीके से हमें बचा के रखें और उसको एक खेत से दूसरे खेत तक ले जाए। तीसरी हमारे पास एक अलग से समस्या ये आई कि कुछ इलाकों में खेती नहरों से होती है। अब राजस्थान में नहरों का पानी बाहर से आता है, उसमें क्या बाराबंदी चलती है कि 15 दिन का या 20 दिन बाद आपको आज पानी मिलेगा, उसके बाद आपको 25 दिन बाद में या 20 दिन बाद में पानी मिलेगा जी। अब इस 20 दिन के अंतराल पे फसल को बचाना भी जरूरी है, तो इसके लिए एक हमने योजना बनाई कि एक डिग्गी का निर्माण कर दिया जाए 20x20x3 की नहर के पास में, उसके किसान के खेत पे एक डिग्गी बना दी जाती है। जैसे ही पानी आता है उसमें भर लिया जाता है, और उसके बाद में जब बाराबंदी शुरू हो जाती है तो 10 दिन बाद में 15 दिन बाद में किसान उस पानी का उपयोग उस फसल के लिए कर लेते हैं। सर ये किसान की सहमति से होता है, वो स्वीकृति देता है तब होता है, या आप उसे बाध्य करते हैं? नहीं, कि आप किसान की स्वीकृति से होता है, किसान इसमें अपना उत्साह दिखाता है। और हमारे यहाँ पे 5,000 के लक्ष्य है 2300 इसमें, और करीब करीब 80,000 काश्तकारों ने आवेदन कर रखे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? इसमें ये जो सिंचाई प्रोजेक्ट बनते हैं बड़े, इसमें अलग अलग सिस्टम्स हैं। जैसे मान लीजिए कोटा भी बैराज है, वहां पे इरिगेशन का काफी क्षेत्र बना, सिंचित क्षेत्र, वहां पे वाराबंदी लागू नहीं है। वाराबंदी का मतलब होता है जैसे जो इंदिरा गांधी केनाल है इसके ऊपर है, तो एक निश्चित समय पे निश्चित केनाल में पानी दिया जाता है, फिर दूसरी साइड में दिया जाता है, और वो फिक्स टाइम होता है कि इतने बजकर इतने मिनट से लेकर इतने बजे तक पानी चलेगा उस केनाल में, वो वाराबंदी। तो जिस क्षेत्र में जैसे बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, इन क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर में वाराबंदी है। वाराबंदी होने की वजह से वहां किसान जिस समय उसको पानी की रिक्वायरमेंट उस समय नहीं है, तो वहां पे हमारे डिग्गी बना रहे हैं जमीन में गहरी खोद करके, ताकि वो उस पानी से नहर से उस डिग्गी को भर लेंगे, और भरने के बाद जब उसको आवश्यकता, ठीक है, तो जब पानी चला नहर में तो वो अपनी डिग्गी में पानी भर लिया, और जब आपको जरूरत है तब आपने आवश्यकता है उसमें इस्तेमाल किया।